उन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दिख रही है जहां प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं। मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, बताइए कौन सी कंपनियां हैं जहां प्रमोटर्स की गिरवी शेयरों की दिक्कत ज्यादा नजर आ रही है, कौन से वो स्टॉक्स हैं? देखिए, जब भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो इन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा पिटाई होती है जहां प्रमोटर्स के प्रेशर सबसे ज्यादा हो, और आवाज लगातार आपको हमेशा बताते गया है किन स्टॉक से कहीं ना कहीं सतर्क रहिए। आज भी मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ जहाँ प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा प्लेस्ड है। एक एक करके बताता हूँ। पहले तो सीजी पावर, इस कंपनी की 100% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो प्लेज है। रिलायंस नेवल, इस कंपनी की भी 100% शेयर होल्डिंग जो है प्लेज है। दोनों ही स्टॉक्स देखिए दिसंबर के लोस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इनफैक्ट सीजी पावर पिछले 16 तारीख से लगातार स्टॉक गिरते जा रहा है, तो स्टॉक से सतर्क रहें। सुजलॉन 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 99.4% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग प्लेज है। सांगी इंडस्ट्रीज 97.72% प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है, और देखिए अपने हाई से करीब 60% के आसपास ही करेक्ट भी हो चुका है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 96.7% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है। हालांकि फ्राइडे को हमने इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ग्रुप लेवल पे प्लेजिंग की गई, यानी कि यूके की इनकी जो कंपनी है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो सब्सिडरीज है उनके शेयर्स प्लेज किए, तो उसके चलते इसकी शेयर होल्डिंग भी प्लेज है। और उन्होंने कहा था कि हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं दूर रहना चाहता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज भी स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। रतन इंडिया पावर, गायत्री प्रोजेक्ट, कॉन्फिडेंट एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ग्रैनर्स इंडिया, ये तमाम वो काउंटर्स है। आपके सामने एक एक करके लिस्ट आएगी जिनमें शेयर होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेज है। इनफैक्ट रतन इंडिया पावर और गायत्री प्रोजेक्ट्स 90% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की वो प्लेज है। कॉन्फिडेंट 79%, अपोलो हॉस्पिटल 75% के आसपास, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख लीजिए 61% शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की वो प्लेज है, और अपने हाई से करीब 70% के आसपास ही ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। वहीं ग्रैन्यूल्स में 60% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ऑलरेडी प्लेज है। तो ये जो स्टॉक्स है जहाँ पे प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेज रहती है, वहाँ जब मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है ना तो इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिलती है। तो इन स्टॉक से आप सतर्क रहिए, देखिए इन स्टॉक में किस तरह का फॉल आता है और उसमें आप निवेश करने के बरोबर मौके देखिए, लेकिन देखिए इन स्टॉक से दूर रहने की ज़्यादा अच्छी बेहतर सलाह होगी ऐसे गिरते सेंटिमेंट वाले मार्केट में। थैंक यू वरुण।